वेलकम टू ऑल इन वन। आज के वीडियो लेसन में देखेंगे एक डायगोनल स्केल का ड्राइंग कैसे होता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द आर एफ ऑफ ए स्केल इज 1/4, 1, 2, 3, 4, 4, 0। ड्रॉ ए स्केल सो दैट 1 decameter मे बी टेकन फ्रॉम इट। मतलब पहले ये स्केल का जो आर एफ है वो दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद बोला है ड्रॉ ए स्केल सो दैट 1 decameter मे बी टेकन। मतलब एक स्केल बनाना है ऐसा जिसमें से 1 decameter भी मेज़र किया जा सके। उसके बाद बोला है एंड रीड द स्केल शुड बी लॉन्ग एनाफ टू रीड अप टू 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बोला है कि स्केल को इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो 6 किलोमीटर भी मेज़र कर सके मैक्सिमम डिस्टेंस। उसके बाद बोला है सो ए डिस्टेंस ऑफ 5.63 किलोमीटर फ्रॉम दिस स्केल। और उस बनाया हुआ स्केल के ऊपर 5.63 किलोमीटर को दिखाना होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों का जो ड्राइंग का जो स्केल का लेंथ होगा वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोगों ने देखा था आर एफ इंटू मैक्स लेंथ टू बी मेजर्ड। तो यहाँ पर आर एफ कितना है, ये है आर एफ 1/4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैक्स लेंथ टू बी मेजर्ड क्या है, मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करना है, 6 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 6 किलोमीटर। तो ये ड्राइंग हम लोग करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो ये होगा। उसके बाद 0, 0 काट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ पर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। हो गया है, अब लेंथ ऑफ स्केल हम लोगों को पता चल गया है। एक लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हल्का से एक लाइन ले लिया है। उसके बाद टोटल 15 सेंटीमीटर हम लोगों को मार्क करना है। यहाँ पर पहले ले लिया है 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर। लाइन थोड़ा छोटा बना लिया हमने, इसको बड़ा कर देंगे, और ये जो लाइन है थोड़ा डार्क भी होगा। हो गया है, ये लाइन हमारा टोटल हो गया 15 सेंटीमीटर का। अब इसको ये है टोटल हमारा कितना होगा, 6 किलोमीटर दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा 6 किलोमीटर को। तो इसको 6 हिस्सा में बांटना है ताकि उसमें से हम लोग एक एक हिस्से को 1 किलोमीटर बना सके। 15 सेंटीमीटर को अगर 6 हिस्से में बांटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर करके 6 हिस्सा हम लोगों को मिलेगा। 2.5 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं कंपास में। उसके बाद 6 मार्क लगाएंगे। और ये होगा टोटल 6 डिवीज़न। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब वर्टिकल लाइन। ये लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ये आप किसी भी तरह का लाइन ले सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ आप लोग 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, उसे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे 5 मिलीमीटर पे एक लाइन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे भी
लाइन बना लेंगे, अब यहाँ पे वो लाइन क्लोज हो जाएगा। हो गया, अब जो हिस्से काटे थे उस हिस्सों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। ये सारे लाइन वर्टिकल लाइन होना चाहिए। आप लोग टी स्केल और सेट स्क्वायर की मदद से बनाइएगा। मेरा ड्राइंग उतना परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं टी स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर और ये वाला पहला वाला हिस्सा लेके टोटल 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर 1 किलोमीटर को हम लोग 10 हिस्से से बांटेंगे तो क्या होगा, ये एक एक जो डिवीज़न आएगा वो एक एक हेक्टोमीटर को डिनोट करेगा। तो इसको पहले 10 हिस्से में बांटेंगे। ये हो चुका है 10 हिस्सा। अब इन सारे पॉइंट को इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे, कैसे, सेट स्क्वायर की मदद से। अब इन सारे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नीचे के लाइन तक बना लेंगे। हिस्सा हो चुका है, अब इन सारे हिस्सों को डायगोनली जोड़ना है, मतलब कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उससे इसका सेकंड पॉइंट जोड़ना है। ऐसे ही हर एक पॉइंट को जोड़ना है। सारे लाइन को जोड़ दिया है हम लोग। अभी क्या है, ये वाला पोर्शन हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 एंड यहाँ पर 10। ठीक है, ये सारे हेक्टोमीटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में था हम लोगों को डेकामीटर भी रिप्रेजेंट करवाना है। तो डेकामीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इक्वल 10 डिवीज़न में बांटेंगे। मतलब एक हेक्टोमीटर का अगर 10 हिस्से में बांटा जाए तो एक एक डेकामीटर होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में ये हिस्सा भी हम 10 डिवीज़न में बांट लिया है हम लोग। अब इन सारे पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन के एंड तक लाना है। हम ड्राइंग पेन से कर रहा है क्योंकि वीडियो में अच्छे से समझ आने के लिए। आप लोग ड्राइंग कभी भी पेन से मत कीजिएगा, ड्राइंग ऑलवेज पेंसिल से करना चाहिए।
पहले ही बोला था मेरा ड्राइंग पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टी स्केल नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ पर, आप लोग जब करेंगे तो वो ठीक ही आएगा। अब ये वाला जो पोर्शन, ये डेकामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सारे पोर्शन। अब हमारा क्वेश्चन में था 5.63 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करवाना है, तो यहाँ 0 से 5, मतलब यहाँ पर 5 किलोमीटर हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। अब 0.63 कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पॉइंट पे आ चुका है, तो यहाँ यहाँ तक कितना हुआ, 5.6 हुआ है। अभी 3 कैसे लेना है, 1 2 3, ऊपर की तरफ 3 घर ले लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.63 किलोमीटर। इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पर अब इसको ऐसे मार्क करना है दो तरफ, दो एरो बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 5.63 किलोमीटर। तो यहाँ ये डायगोनल स्केल का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।